शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। For girls, it's all about attraction, possession, jealousy, obsession. This is obsessive. Obsession एक बीमारी है। इश्क ही एक बीमारी है। Come on, man. रोहन साहब, ये तो मेरी समझ में आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस आपके पास क्यों नहीं आई। थैंक यू। कल शाम से तुम्हारा मोबाइल बंद है, घर का टेलीफोन बंद है। प्रिया तुमसे मिलने के लिए मुझे फोन कर रही है। प्रिया रात को यहां तुम्हें ढूंढते हुए आई थी, पर दरवाजा लॉक था। प्रिया कैसी लड़की है? मुझसे ये पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर मोसेस आपसे ऑन ड्यूटी ऑफिशियली कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। नैंसी और प्रिया में कैसा रिलेशन था? स्टेप सिस्टर्स में जैसा होता है, लव एंड हेट। And नैंसी 6 साल की थी और प्रिया 13 साल की, जब नैंसी की मदर और प्रिया के फादर की शादी हुई। अच्छा, और क्या? प्रिया को लगा कि नैंसी ने उसकी जगह ले ली। चल मैं, प्रिया प्रॉपर्टी और पैसे के लिए नैंसी से लड़ सकती थी? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम्हें नहीं मालूम? एक्स गर्लफ्रेंड। राइट, परसों पूरी रात तुम उसके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर थे। Am I right? जिस रात नैंसी का मर्डर हुआ उसे 1 घंटा पहले तुमने उसे फोन क्यों किया था, कुछ याद है? You're right. मिस कॉल दिया था। क्यों? Obviously नंबर्स एक्सचेंज करने के लिए। कहाँ? टोनीज बार। सीक्रेट्स। I love secrets. Yes. ये बात तुमने अपने किसी आर्टिकल में क्यों नहीं लिखी? Yes, sir. Like उसका मूड कैसा था? That was normal. Normal. Yeah. Right. ये बात तुमने प्रिया को क्यों नहीं बताई? उससे क्या फर्क पड़ता? I'm sure उसे तो फर्क पड़ेगा, तुम्हें नहीं तो प्रिया को तो डेफिनेटली पड़ेगा। Think about it. Thank you. Welcome. ओ, वैसे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं तुम्हें एक हेडलाइन देने वाला हूं। इंस्पेक्टर मोसेस सॉल्व्स नैंसी मर्डर केस। How are you? We are really sorry to hear about Nancy. किसके साथ आई थी वो? वही रेगुलर दोस्तों के साथ आई थी। बट गई अकेली थी। बस रॉनी के साथ थोड़ी देर डांस किया था और रॉनी के साथ आई थी वो।
रॉनी कोई और लड़की के साथ आया था, पर रॉनी की नैंसी से मुलाकात हुई थी। तुम एक्सीडेंट वाली रात नैंसी से मिले थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम भी तो एक्सीडेंट से एक दिन पहले आई थी। Even you didn't tell me. What's the difference? The difference is that Nancy was killed, Mr. Rohan Ashwaker. Don't you get it? And I thought you loved me. I still love you. Don't touch me! I'll find out who killed Nancy. Screw you! नंबर प्लेट के जरिए आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता था। इट्स नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो एक्साइटिंग। और प्रिया का क्या हुआ, उसने कॉन्टेक्ट किया तुमसे? Excuse me. Hi. Hi, madam. इस रूट पर कितनी फेरीज हैं? सिर्फ हमारी दो हैं। 24 आवर सर्विस? नहीं मैडम, रात को 12 बजे बंद कर देते हैं, फिर सुबह 4 बजे स्टार्ट करते हैं। 16 तारीख को सैटरडे था, उस रोज भी आप ही थे? जी हाँ, मैं इस फेरी का ऑनर हूँ, मैं ही था। कोई रिकॉर्ड रखते हैं कि कितनी गाड़ियाँ आती जाती हैं? नहीं मैडम, क्यों? मैडम 16 तारीख कह रही है, तूफान हाँ? आया था जिस रात हाँ? फेरी तो 8:30 बजे बंद कर दी थी। अगर फेरी सर्विस बंद हो तो यहाँ से आने जाने का रास्ता क्या है? पुराना पुल, अंधेरी सड़क। प्रिया, ओके फाइन। जेडी रिपीट प्लीज। हेलो मिस प्रिया। रॉनी घर पर नहीं है। एक्चुअली घर की चाबी मेरे पास है, चाहो तो चेक कर लो। गुड, मैं तुमसे ही मिलने आई थी। मैं टोनीज बार गई थी, माय सिस्टर नैंसी वो भी थी वहां, उसने देखा होगा तुमने। नहीं याद नहीं। वहां से वापस कैसे आए थे रॉनी और तुम? फेरी तक रॉनी की कार में, उसके बाद गाड़ी खराब हो गई। फेरी चढ़ने से पहले या उतरने के बाद? फेरी से उतरने के बाद। लेकिन रॉनी ने जो रिपोर्ट लिखवाई थी उसमें तो उल्टा था कि फेरी क्रॉस करने से पहले गाड़ी खराब हुई थी। तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? एक्सीडेंट तुमने और रॉनी ने किया था ना। शट अप।
रॉनी की कार में उस दिन तुम भी थी ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम दोनों ने पी हुई थी, इसलिए पुलिस के डर से वहाँ से भाग गए। शट अप ओके नो। तुमने ही नैंसी को मारा। नैंसी को तुमने मारा है। तुम उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ आई थी। स्टेप सिस्टर को तुमने मारा है प्रॉपर्टी और पैसे के लिए। मेरी बहन को वहाँ